बढ़िया चीज़ है यहाँ से ये ना भाई कि यहाँ वाले अपर डेक में अगर बेबी खेल रहा है आपका तो कोई टेंशन नहीं है। अभी उसकी मौसी और वो दोनों खिलाने गई है तो फाइनली, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें इसी वजह से सोच के ली गई थी कि भाई कि यहाँ इस गार्डन को मैं मैक्सिमम किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। अभी फ़िलहाल तो इसी बात पर कि सारे बच्चे यहाँ खेलते हैं, अभी फ़िलहाल मेरा बच्चा भी वहाँ खेल रहा है और मस्त कुछ थी। किधर है आरू? किधर है आरू? किधर है? टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री, जय, मैं जीत गया। पीछे से ऐसा निकल के भागता ना पूछो मत, आप घूमते रह जाओगे। ओ भाई सब कल्टी मार के, ये रे, ये देखो क्या इधर इधर क्या है। सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई फाइनली आज सुबह से ना हम लोगों ने कुछ खास रिकॉर्ड किया नहीं है और अभी शाम को घर आए हैं। आने के बाद नो इसको पसंद आ गया, इसको भी सॉकेट को भी हटवाने के मूड में है क्योंकि ये ही एक ऐसा सॉकेट है जिसमें पास जिसको पास ये आता है। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग जो है वो लेट से शुरू हुआ है क्योंकि आज दिन में कोई शूट नहीं किया क्योंकि सुबह में थोड़ा जल्दी में निकला था ऑफिस के लिए, तब भी कुछ नहीं हुआ। आज मॉर्निंग में जल्दी भी नहीं उठ पाया, वो भी एक नहीं हुआ। फाइनली अभी निकलते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं वैसे मेडिकल स्टोर पर, हमें कुछ दवाई लेके आनी है। भाई जब दौड़ना शुरू होते हैं तो जो स्पीड होती है ना भाई, उस स्पीड पर इनका कंट्रोल नहीं है, फिर तो भाई गिरना पड़ना कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से है भाई। हाँ, क्या हुआ? अब इनको गोदी आना, छोड़ना ना ऐसा हो जाता है ना, जिसके पास दुकान में वहाँ जैसे मेडिकल स्टोर से निकले भाई भाई गायब। ये देखो लॉबी को ही जो बोलते हैं ना फुटबॉल ग्राउंड में। डराते क्यों यार? The next day. मारा गया, तुम तो ठाले हो भाई, मैं चला नहाने। देखो आज हम लेट हो गए बहुत ज्यादा, 9:08 हो गए जब हम निकले हैं। तो फाइनली आज हमें जो ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा वो करने गए पड़ेगा या तो ऑफिस के अंदर या फिर ऑफिस के बाहर। तभी सोच रहे हैं कहाँ जाना है, अगर ऑफिस में कुछ अच्छा बना होगा तो डेफिनेटली वहीं खाएंगे, अगर नहीं बना है तो भी वहीं खाएंगे भाई। तो एक चीज तो सीखे भाई, इसे बैठना सीख गया और इसको गुड़काना सीख गया, दो कामों में से एक काम हो गया। बैठना सीखो, बैठो। हाँ बस धक्का लगाना सीख गया, नई चीज। पहले पूजा करूंगा उसके बाद बैठूंगा इसके ऊपर, ये मेरा नया तरीका है, स्टाइल मेरे यापुन का स्टाइलर है, बाबूराव का स्टाइलर है बाबा। ये देखो यार, ये दोनों के दोनों माई बेटे ऐसे हो रखे ना, पूछूं मैं तो खाना खा रहा हूँ, तुम दोनों का पता नहीं। फाइनली इसको मजा आने लग गया इसको बैठ के घूमने में। चलो चलाना भी सीखो, ये वापस इसीलिए लेके आए, वहां से इसको लाने का यही एक रीजन है कि भाई अगर ये बैठेगा इसको देखेगा आजू बाजू में तो सीखेगा इसको चलाना। चलाओ, सब बच्चे घूमते रहते हैं, ये कुछ नया है, चलो। चीज़ एक तरफ, बस इसका बॉल के लिए जो प्यार है ना वो एक तरफ है, बिल्कुल अलग। सारी चीजें एक साथ जिसको कहते हैं ना वो कर लो, बट बॉल के लिए ना, बॉल के लिए एवर रेडी। अगर रात को भी इसको देख के बोल देते हो ना भाई ले पढ़, भाई खेलना शुरू हो जाएगा। अरे भैया नाचने कहते हैं डांडिया वाले, मैं और आरू सिर्फ और सिर्फ खेलने जा रहे हैं, और एक हम दोनों को तो बस यही है भाई कि खेलना, इसलिए आज मैं फुटबॉल लेके जाऊंगा क्योंकि रोज ना लेके जाता हूँ फुटबॉल, जब इसकी नहीं लेके जाता वहाँ जो भी फुटबॉल दिखते हैं ना भाई उसके पीछे ऐसा बावड़ा हो जाता है छोरा मेरा भागने के लिए, और लोग देते नहीं है, यहाँ पर इतने सपोर्टिव बच्चे नहीं है जो कि भाई मेरे बच्चे को वो जो अगर फुटबॉल है तो दे दे, तो साला हम अपनी फुटबॉल लेके जाएगा। रे बाबा हमारी फुटबॉल किधर है? अरे फुटबॉल किधर है बाबा? कौन रोज काई को हैं?
लिफ्ट में आओ, ले चल मैं भी चलता हूँ लिफ्ट में बाबा, मैं भी चल रहा हूँ। हाँ हाँ मैं भी चल रहा हूँ भाई, मेरे को नीचे पैदल नहीं जाने दे रहे यार, मेरे साथ ही जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, अब ठीक है भाई, मैं चल रहा हूँ। अब आगे ना ठीक है ना, ओके सारे बटन दबा दे, बीच रास्ते में खुल जाएगी लिफ्ट के छोड़ेगा तू कहीं से। जिसको बोलते हैं ना सबसे फनी इंसिडेंट क्या है, देखो जब मैं बाल डाल रहा हूँ ना हेलो आपका चांस डालो, आप डालो भाई, एटलीस्ट कोशिश कर रहा है लड़का बहुत सही तरीके से, बोलते ना मजा आ रहा है। बोलते ना हमें अभी ज्यादा टाइम हुआ नहीं खेलते, लेकिन भाई मेरी फिर भी हालत खराब हो गई, पूरा पसीना पसीना हो गया, लेकिन अभी इसका एनर्जी लेवल डाउन होने का कोई मतलब ही नहीं है, या कोई वही नहीं है कि अभी टाइम नहीं है कि भाई इसकी एनर्जी डाउन हो जाए, बस अब इसको बॉल करना है कैसे भी करके, गोल फेंको चलो ऊपर करो हाँ ऊपर फेंको करो जे बात फेंको। एक्चुअली उन लोगों को टाइम लगेगा, हम दोनों आ गए क्योंकि थक गए थे दोनों, मैं तो थक गया था एटलीस्ट, और मैं डांस वांस भी करना, उसके बाद इसको भी थोड़ा थोड़ा नींद आने लग गया, तो हम लोग जल्दी आ गए वापस। सो गाइस आज के व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, आई होप आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब हो जाए, एंड थैंक यू सो मच, हम लोगों की 3000 यानी 3K की फैमिली हो चुकी है, तो मेरे लिए काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। आई होप हम आगे भी 3 से 30 और 30 के बाद 300 और 300 के बाद 3000 भी करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।